स्वास्थ्य और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उपचुनाव को लेकर कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह साफ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि एक चाणक्य पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह फेल हो गए और एक मैनेजमेंट गुरु निपट लिए। अब कांग्रेस में वैचारिक शून्यता को भरने प्रशांत किशोर को लाया जा रहा है। प्रशांत किशोर ने पहले यूपी को निपटाया है, अब मध्य प्रदेश की बारी है। नरोत्तम ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी निशाना साधा और कहा कि कमलनाथ कभी मंत्रालय से नहीं निकले, ना ही जनता के सुख दुख में उनके बीच गए, कैसे जनता उनको वोट दे देगी। उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस में सियासी बयानबाजी जारी है। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि चाहे कोई भी आए, इस चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा। प्रशांत किशोर को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उन्होंने पहले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को निपटाया है, अब मध्य प्रदेश की बारी है। मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एक चाणक बनते थे, वे फेल हो गए और एक मैनेजमेंट गुरु निमट गए, अब कांग्रेस में वैचारिक शून्यता आ गई है। नरोत्तम ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ कभी वल्लभ भवन से बाहर नहीं निकले, ये कभी किसी के सुख दुख में नहीं दिखे, ना ही पाले में ना ही सूखे में दिखे। एक चाणक माननीय दिग्विजय सिंह जी फेल हो गए, एक मैनेजमेंट गुरु वो भी निबट लिए, अब वैचारिक शून्यता उभर रही है। अब वैचारिक शून्यता उभर रही है तो प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं। पहले उत्तर प्रदेश में वाट लगा दी, अब मध्य प्रदेश की बारी है। मेरी मान्यता कि काट की हाड़ी एक ही बार चढ़ ली है तो वो चढ़ चुके, अब वो आए या कोई और आए, मध्य प्रदेश में आने वाले उपचुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ होना तय है। नरोत्तम ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन्होंने बच्चियों को स्कूटी देने का वादा किया, एक को भी आज तक नहीं मिली, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, कमलनाथ जब जनता के बीच गए ही नहीं तो इनको जनता वोट कैसे देगी। कांग्रेस के सोशल मीडिया पर चुनाव लड़ने को लेकर नरोत्तम ने कहा कि कांग्रेस सोशल मीडिया में लड़े, हम तो मैदान में चुनाव लड़ेंगे, हम जनता के बीच जाएंगे, सेवा करेंगे, ये एक भी दिन महामारी में बाहर नहीं निकले और हम एक भी दिन घर में नहीं रुके। नौजवान को हम देंगे बेरोजगारी भत्ता, एक को दिया हो तो बताए, बेटी को स्कूटी दी हो तो बताए। भाई लगातार झूठ, कभी ओले में देखे हो कमलनाथ जी, पाले में देखे हो, सूखा में देखे हो, अतिवृष्टि में देखे हो, मौत में देखे हो, तो बताओ ना आप, कहीं गम में देखे हो, कहीं नहीं मिले होंगे आपको कमलनाथ जी। ये कमलनाथ जी वल्लभ भवन से निकले ही नहीं, आप वोट मांगने जाएंगे तो वोट कैसे दे देगी जनता। हम तो मैदान में लड़ेंगे दादा, हम तो जनता के बीच जाएंगे, जनता की सेवा करेंगे। ये एक दिन नहीं निकले और हम एक दिन नहीं रुके इस महामारी में भी, हम लगातार जनता के बीच में ही गए हैं और जनता के हाथ जोड़ेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।